बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो बात करते करते कम से कम 3000 बच्चा बढ़ गया होगा हर सेकंड। हैं, पढ़ना तो पड़ेगा बे, बिना पढ़े कुछ सिलेक्शन नहीं होगा। और इतनी तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा ना कि 4.5-5 करोड़ बच्चा जो खड़ा है ना तेरे सामने, इसको पीटना है तुझे। इसको पीटने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में आई? पढ़ो, नहीं पढ़ोगे जीवन झंड हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों पे घबरा लेते हो। आपको अच्छे से बताया कि इस बार 12वीं का बिना पेपर दिए बच्चों का सिलेक्शन कर दिया, मतलब पास कर दिया, वो और भीड़ शामिल होगी। और अभी तक जो 12वीं के पेपर देते थे उसमें से 60% बच्चे कंपटीशन में शामिल होते थे, इस बार देखना वो 100% शामिल होंगे। SSC MTS में हो जाएंगे, CHSL में हो जाएंगे, रेलवे में हो जाएंगे, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा। कितना ज्यादा आने वाले एक साल बाद पता चलेगा, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स की। वैकेंसी बहुत कम, पहले से बहुत घटी है। फिर क्या होगा, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। ये हम पे डिपेंड करता है, ये हमें सोचना है कि हमें करना क्या है, हमें लड़ना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। सुमित कह रहे हैं जी 12.5 करोड़ है, बिल्कुल 12.5 करोड़ होंगे जी, मैं मानता हूं इस बात को। तो इतना टफ कंपटीशन है, और वहां अगर हम ये बात कहें ये दिक्कत है तुझमें, हैं, पढ़ना तो पड़ेगा बे, बिना पढ़े कुछ सिलेक्शन नहीं होगा। और इतनी तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा ना कि भाई तुम क्या चपड़ासी की नौकरी लगने जा रहे हो, तुम भी तो इंस्पेक्टर लगने जा रहे हो, तुम्हारे ख्वाब छोटे हैं भाई? नहीं, तुम्हारे ख्वाब बड़े होने भी चाहिए, और बड़े होने चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से मेरे बेटा, मेरे नन्हे मुन्नो, मां की गोद से बाहर निकलो, मेहनत भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ रही दिमाग में कुछ मेरी बात है? वरना तो भाई बैठे रहो यूं, आप जस बहुत है। क्योंकि ये 4.5-5 करोड़ जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें सिलेक्शन तो मुश्किल से 20,000 बच्चों का, बाकी तो आप जैसे मिलेंगे जो नहीं पढ़ सकते। आप समझिए यार, ये सब आपके लिए है ना, और किसी के लिए नहीं। कोई दिक्कत नहीं अभी गधो, ये सोचना ही अपने आप में दिक्कत है कि दिक्कत है भाई। 4 करोड़ बच्चा इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, 4 करोड़ बच्चा। प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों लोग एम्प्लॉयड हैं, करीबन मेरे हिसाब से 20 से 25 करोड़ लोग प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं। और उन 20 से 25 करोड़ में करीबन 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो यंग एज के हैं, जिनकी उम्र 20 साल 25 साल 28 साल ये उम्र के बच्चे हैं। मैं अभी अपने गांव गया हुआ था तो हम वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे अभी शनिवार रविवार को, तो ऐसे मैंने बहुत सारे नए लड़कों को देखा जो क्रिकेट खेलना है। मेरी ऐसे फिर उनसे बातचीत हुई तो बोले जी मैं हीरो होंडा में काम करता था, उन्होंने हटा दिया, अब छटनी कर दी। मैं इस फलाना आईटी कंपनी में था, उन्होंने छटनी कर दी। जी गुरु जी अब हम आपकी बुक पढ़ रहे हैं 7300 वाली एडवांस मैथ की, तैयारी कर रहे हैं, आपका ऑनलाइन बैच ले रहे हैं केरवेल पे। मैं देख के हैरान रह गया कि ये बच्चे जो कॉम्पिटिशन की तरफ गए ही नहीं, जिन्होंने बीटेक किया उसके बाद कहीं आईटी पकड़ी या कहीं कंपनी पकड़ी या एबीसी कहीं काम करना शुरू कर दिया, और जैसे ये 2 लॉकडाउन आए उन्होंने अपनी लाइन चेंज करनी उचित समझी, क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है।